हर हर महादेव, करौली शंकर महादेव की जय। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं दरबार में भ्रमण कर रही थी तो मुझे एक चीज़ दिखी, मुझे लगा आप लोग को ये बताना बहुत ज़रूरी है। पुराने लोग तो ये गलती कर चुके हैं, नए लोग ये गलती ना करें, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब हम दरबार में आते हैं तो सर्वप्रथम हमें अर्जी बंधन करना पड़ता है दरबार में, ठीक है। तो उसके बाद जो हम बंधन बांधते हैं 3 महीने बाद, हमारे गुरुदेव ने कहा है कि 3 महीने बाद वो खंडित हो जाता है, तो उसे हमें बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। लेकिन लोग क्या किए हैं, अभी बाहर में घूम रही थी सवेरे सवेरे, गर्मी का अभी समय चल रहा है तो सुबह घूमने में थोड़ा अच्छा लगता है, दरबार में भ्रमण करते देखते हैं। तो मैंने देखा कि ये जो आप देख सकते दरबार में लोगों को जो ये बंधन गुरुदेव कहते हैं कि आप लोगों को बहते हुए पानी में प्रवाहित करना है, लेकिन देखो उधर पीछे से ले के ये पूरा आप देखेंगे सब जगह बंधन ही बांध के रखा हुआ है। तो ये गलती नहीं करना है, ऐसा करने से आप अपना कर्म भोग बढ़ा लेते हो। और जो पुराने लोग हैं वो कष्ट में इसीलिए रहते हैं क्योंकि मान लो किसी ने एक बंधन बांध दिया होगा तो उसका देखी देखा सभी लोग बंधन बांधना यहाँ पर स्टार्ट कर दिए, तो ये गलत चीज़ है। ये अगर बंधन बांधोगे तो आप लोग खुद परेशान हो जाओगे। तो जो लोग अपना इधर बंधन बांधते हैं ना, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो दरबार में आइएगा, इसे खोल के लेके चले जाइए, बहते हुए पानी में इसे आप लोग को प्रवाहित कर देना है। ठीक है, पीछे से उधर से बंधन बांधे बांधे पूरा इधर तक बांधा हुआ है और दरबार के अंदर तो पूरा ढेर लग गया है। मैं आप लोग को लेकर चलूँगी, जो हमारा सूचना केंद्र है ना उसके अंदर पूरा लोगों ने ढेर लगा के रख चुका है, मैं आप लोग को दिखाऊंगी। अभी शायद वो खुला है भी, पूरे दरबार में सभी जगह लोगों ने बांध के रखा है। तो ये बहुत गलत चीज़ है, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी। इधर भी लोगों ने बंधन बांध के रखा हुआ है, ये जो बंधन है ये बांधना नहीं है, ये बांधोगे तो आप लोग भोगोगे, आप लोग को कष्ट होंगे। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो नए लोग हैं उनको यही कहूँगी कि ये बंधन बहते हुए पानी में प्रवाहित करना है। जब भी आप बंधन बांध लेते हो, 3 महीना हो जाता है या फिर ज़्यादा आपके पास है पहले से ही, तो उसको बांधना दरबार में कहीं नहीं है। यहाँ पे लोगों ने चुन्नी भी बांध के रखी है, देखो ये चुन्नी दी जाती है आपको प्रसाद के रूप में, बंधन आपको बांध के बहते हुए पानी में डालना रहता है। लोग लेकिन ऐसे हैं कि यहाँ पर ही सब छोड़ छाड़ के चले गए हैं। देखो यहाँ पे माँ की चूड़ी, ये बंधन, ये चुन्नी, जो चीज़ें आपको प्रसाद में दी जाती है, आपको खुद को आशीर्वाद रूप में माँ प्रदान करती है, वही आप लोग इधर छोड़ छाड़ के चले गए। देखो यहाँ पे लोगों ने थैली में बांध के रखे गए हैं जतन के साथ। ऐसा लग रहा है कि दरबार आपकी गंदगी साफ़ करता है और आप लोग ऐसे हो कि पूरी जो गंदगी यहाँ पे छोड़ के जा रहे हो, ठीक है। तो ये गलत चीज़ है, आपका दरबार थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान आप लोग को रखना चाहिए। इतना भी नहीं करोगे तो फिर स्वस्थ होने की उम्मीद ही नहीं है, आप लोग फिर ऐसे ही कष्ट में रहते हैं। कष्ट में रहने का कारण हम खुद होते हैं, ठीक है, हम खुद होते हैं। हम दरबार के नियमों का बराबर पालन नहीं करते हैं और कुछ छोटी मोटी गलतियां ऐसे करते रहते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को दरबार में आने के बाद दरबार को समझना चाहिए, दरबार की वीडियोज़ देखना चाहिए। जब चीज़ें आप लोग को समझ में आ जाएंगी ना तो आप लोग से गलती होगी ही नहीं। और कुछ लोग तो जानबूझ के कर लेते हैं, एक दूसरे का देखा देखी, ऐसा नहीं चलता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये गलती दोबारा आप लोग ना करिएगा, नहीं तो आप लोग भोगोगे। नए लोग तो एकदम से ध्यान रखिएगा, मैं स्पेशली नए लोगों के लिए ही बनाएगी। जो पुराने लोग हैं वो तो गलती कर चुके हैं, लेकिन जो नए लोग हैं वो गलती ना कर रहे हैं, ठीक है। अभी सवेरे सवेरे मैं दरबार में घूम रही थी, भ्रमण कर रही थी, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखी जो मुझे लगा आप लोग को बताना चाहिए, तभी आप लोग को पता भी रहेगा। पुराने लोग ना वो बंधन अपना खोल लीजिएगा अगर देख रहे हो तो, नहीं तो आप लोग परेशान तो होंगे ही अभी भी अगर नहीं खोले होंगे तो। पुराने लोग जो वीडियो देख रहे हैं ना वो बंधन आप लोग खोल लीजिएगा, नहीं तो परेशानी बनी रहती है। दरबार को हमें साफ़ सुथरा करना है, लेकिन हम है कि दरबार को साफ़ सुथरा तो छोड़ो और गंदा करके चले जाते हैं, ठीक नहीं लगता। दरबार हमारे लिए इतना कुछ करता है, इतना करता है, और हम साफ़ सफाई का ध्यान, देखो यहाँ पे साफ सफाई का ध्यान नहीं देते। कुछ ऐसे भक्त भी होते दरबार में जो यहाँ पे आने के बाद सेवा ढूंढते रहते हैं, साफ़ सफाई कैसे हम करें। देखो यहाँ पे कुछ लोग लगे भी हुए हैं साफ़ सफाई में कि कैसे, मतलब एक ढूंढ ढूंढ के सेवा करते हैं और हम ढूंढ ढूंढ के गंदा करते हैं, गलत बात ही है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
इतना सुंदर इतना निराला हमारा दरबार है, इसको जितना हम स्वच्छता बनाकर रखें, स्वच्छ रखें, उतना हमारे लिए अच्छा है, हमारी पहचान होती है इससे। ठीक है, तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिए। आप सभी को हरिहर, जय बाबा की, हर हर महादेव, करौली शंकर महादेव की जय।